एमडीजैन मंदिर के श्री शांति सागर सभागार में गुरुवर श्री सुधा सागर जी महाराज ने श्रद्धालुओं को गुरु महिमा का संदेश दिया। गुरुवर बोले कि गुरु के मुख से निंदा सुनना शिष्य के लिए सौभाग्य की बात होती है। हरि पर्वत के एमडी जैन इंटर कॉलेज के शांति सागर सभागार में परम पूज्य निर्यापक श्रवण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज का अमृत सुधा वर्ष योग चल रहा है। सभागार में गुरुवर ने धर्म सभा में भक्त जनों को संदेश दिया कि माता पिता अपने बच्चों का जीवन यापन एक गुरु बनकर करें, जिससे वे हमेशा सच्चे सद्मार्ग पर चलकर देश का एक आदर्श नागरिक बन सके। मेरा सिद्धांत है, जिसको तुमने आशीर्वाद पाने के लिए चुना है उसको थप्पड़ मारने का अधिकार जरूर दे देना, नहीं तो ये आशीर्वाद तुम्हें बर्बाद कर देगा। आशीर्वाद से बर्बादी, आशीर्वाद से बर्बादी। यदि तुमने गुरु को मात्र इसलिए चुना है कि हमें आशीर्वाद मिलेगा, तुम्हारी बर्बादी होगी होगी आशीर्वाद से। तुमने माँ बाप को चुना है, माँ बाप मुझे प्यार करें, लाड़ करें, मेरे लिए सब कुछ करें, आशीर्वाद दें, मेरे संबंध में अच्छा सोचें, मेरे लिए सोचें, ये बाग तुम्हारे लिए बर्बादी का कारण बनेगा। तो फैसला करो, या तो तुम पापी हो नहीं इसलिए गुरु ने पापी नहीं कहा। फैसला करो, माँ बाप ने मुझे थप्पड़ नहीं मारा क्योंकि मैंने कोई गलती की नहीं, मेरे माँ बाप ने कभी नहीं डांटा क्योंकि मैंने गलती की नहीं, मैं गलती करते ही हूँ। जिंदगी में सबसे पहली साधना करो, माँ बाप की दुखी गाली मत सुनना, माँ बाप का थप्पड़ मत खाना, माँ बाप के मुख से अशुभ शब्द मत सुनना। धर्म सभा में प्रवचनों का श्रवण कर रहे आगरा दिगंबर जैन परिषद के प्रवक्ता मनोज जैन ने कहा कि गुरुवर ने आज प्रवचनों के माध्यम से भक्त जनों को मोटिवेशन दिया है कि अगर आपके माता पिता आपसे रूठ जाएं या गुस्सा करें तो आप इसका बुरा ना माने, ये आपके हित के लिए ऐसा कर रहे हैं। आज तीन मंत्रास दिए उन्होंने। पहला मंत्र उन्होंने कहा कि कभी ऐसा कार्य न करे शिष्य या बेटा या बेटी कि उसको अपने गुरु या माता पिता से कभी भी डांट खाने का नौबत आए, ये पहला मंत्र है। दूसरा मंत्र है, अगर कभी कोई गलत कार्य करे और उसका गुरु या उसका मम्मी पापा कभी डांटें मारें पीटें तो डांट खाने की मार खाने की क्षमता रखे, गर्दन झुकाकर स्वीकार करे, ये दूसरा मंत्र है और साधना है, इसको साधना करें। तीसरी बात उन्होंने कही, अगर तुम्हारा मम्मी पापा तुम्हारे गलत काम को देखते हुए मौन रह रहे हैं तो समझ लो तुम्हारे विनाश का समय आ गया है, क्योंकि आप कोई नहीं सुधार सकता इसलिए, और ना कभी उनका हाथ रोकना या मुंह रोकना कि आप डांटना बंद करो, आप हमेशा डांटती रहती हो, गुरुजी के पास जाओ तो हमेशा वो तो लेक्चर देते रहते हैं, ये भावना आने शुरू हो गई तो तुम्हें कोई सुधार नहीं सकता। ये मंत्र अपने जीवन में हम रखें तो निश्चित तौर पर। एमडी जैन इंटर कॉलेज के शांति सागर सभागार में परम पूज्य निर्यापक श्रवण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज की धर्म सभा में शहर भर से भक्तजन गुरुवर की अमृतमयी वाणी का श्रवण करने पहुंच रहे हैं। भक्तजन भाव विभोर होकर प्रवचनों को सुनकर अपना जीवन धन्य कर रहे हैं। आज जो प्रवचन बहुत शिक्षाप्रद हुए हैं और आगे भी प्रवचन बहुत शिक्षाप्रद चल रहे हैं, महाराज श्री के बहुत शानदार प्रवचन हो रहे हैं, इससे जन समुदाय को बहुत ज्ञान और धर्म की प्रेरणा बढ़ रही है। आशा करूंगा इसी तरह प्रश्न चलते रहे और हम लोगों पर इसका प्रभाव पड़े, यही कामना से महावीर भगवान की जय हो। धीरे धीरे जैसे जैसे मुनि महाराज जी के चरण इधर पड़े, उनके मुंह से निकलने वाले मुखाग्रबिंद से जो शब्द निकले वो हमारे लिए इतने प्रेरणाशील हैं कि हमको ऐसा लगता है कि जैसे सचमुच हमने जो कर्म किए थे, पाप कर्म किए थे, उन पाप कर्मों को धीरे धीरे सनलाइट जैसे साबुन से कपड़े चमकते हैं, इस तरह से हमारी आत्मा के अंदर जो चमक प्रस्तुत हो रही है वो चमक से हमको ऐसा लगता है जैसे हमने जाने किसे भवांतर से जो पाप किए थे वो धीरे धीरे धुलकर पुण्यासर्व की तरफ चलते चले जा रहे हैं। और हमारे गुरु अगर इसी तरह से हमारे को मंजन करते रहेंगे तो हो सकता है कि हम भी उनके स्थान पर आकर के हम भी ऐसा कल्याण कर सकें। शांति सागर सभागार में चल रही धर्म सभा में विभिन्न शहरों से गुरुवर के भक्तजन गुरुवर को श्रीफल अर्पण करने पहुंच रहे हैं। सी न्यूज़ के लिए अजय बहादुर की रिपोर्ट।